जय हिंद साथियों, मैं पवन पारा सर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो राजस्थान पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे पुनः आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास में हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ, और उनमें हमने देखा था, उनको हमने अलग अलग भागों में बांटा। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी संबंधी शक्ति और न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति और कुछ आपातकालीन शक्तियां भी हैं, और स्वविवेकी शक्ति। इस तरीके से हमने उनको बांटा। और फिर हमने चर्चा की कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। हम पढ़ रहे थे राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां इसको देख रहे थे। और इसमें भी हमने इसमें देखा कि जो राज्यपाल है कार्यपालिका से संबंधित कुछ नियुक्तियां करता है। क्या करता है? नियुक्तियां। तो नियुक्ति संबंधी शक्तियां और इसमें हमने नंबर एक देखा, नंबर एक कि राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है। तो हमने देखा अनुच्छेद 166, इसमें हमने देखा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इसकी करता है सीएम की नियुक्ति इसकी सीएम की तो सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। देखो सामान्यतः राज्यपाल उसी व्यक्ति को सीएम नियुक्त करता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? बहुमत। यदि किसी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, बहुमत का मतलब है जो विधानसभा की कुल संख्या है उसका 50%। जैसे अपने राजस्थान में 200 सदस्य संख्या है विधानसभा की, 200 एमएलए है, तो किसी को भी सरकार बनानी है तो इसका बहुमत का मतलब हो गया कम से कम 101 सीट होनी चाहिए। कितनी? 101 सीट होंगी, उसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाएगा। परंतु किसी भी दल को अगर विधानसभा में क्या नहीं मिलता, बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। और यह भी है कि वो जो गठबंधन है, क्या है गठबंधन, जो चुनाव से पूर्व या चुनाव के बाद जिन्होंने गठबंधन किया है उनके जो नेता होगा उसे क्या बनाएगा? वो मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। परंतु अगर किसी को भी ऐसा भी नहीं है तो अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए बुला सकता है, उसे मुख्यमंत्री की शपथ दिला सकता है, मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसे एक निश्चित टाइम में फिक्स टाइम दे देगा कि इतने समय में आपको विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर बहुमत सिद्ध नहीं करता है तो कोई दूसरा सरकार बनाएगा, नहीं तो फिर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है और नई चुनाव की घोषणा कर सकता है। इस तरह की खानी तो हमने देखा। तो देखो मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करेगा अपने इच्छा से, और कंडीशन भी बताई। जो अन्य मंत्री है, क्या है? अन्य मंत्री बनाएगा वो मुख्यमंत्री के सीएम के कहने पर बनाएगा। इसके कहने पर सीएम यानी जो मुख्यमंत्री जिन मंत्रियों की सिफारिश करता है, जिनको मंत्री बनाने के लिए कहता है, उन्हीं को राज्यपाल क्या बनाएगा? मंत्री बनाएगा। तो मंत्री किसे बनाना ये निर्धारण कौन करेगा? मुख्यमंत्री। और उन्हें राज्यपाल उन्हीं को क्या बना सकता है? मंत्री बना सकता है। 166 देखा था, और इसी के साथ हमने दूसरा जो अनुच्छेद देखा था वो था 165, जिसमें था कि राज्यपाल जो राज्य में महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ये सरकार का कौन होता है? ये राज्य सरकार का वकील होता है। कौन होता है? वकील। राज्य सरकार को कानून संबंधी सलाह देता है। क्या देता है? कानूनी सलाह देता है। यानी राज्य सरकार का कोई मामला है तो राज्य सरकार की तरफ से जो
राज्य का उच्च न्यायालय है या जो भी न्यायालय है उसमें राज्य सरकार का पक्ष कौन रख सकता है? महान्यायवादी, जिसे सॉरी महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। और ये ध्यान रखना, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसके? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और राज्यपाल इसे अन्य कार्य भी सौंप सकता है। दूसरा, इसका जो वेतन भत्ते हैं इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। इस तरीके से हमने अनुच्छेद 165 देखा। इसके बाद अनुच्छेद 316, जिसमें हमने देखा कि 316 में देखो एक यूपीएससी है और एक स्टेट पीएससी है, जिसे हमारे यहाँ आरपीएससी बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। और इसी में एक जेपीएससी होती है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और जो जेपीएससी है इसकी भी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और जो आरपीएससी है, स्टेट पीएससी है, इनकी नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। कौन करेंगे? राज्यपाल। और ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, परंतु इन्हें हटा कौन सकता है? इन्हें पद से जो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकता है। तो ये त्याग पत्र भी किसे देंगे? राज्यपाल को ही देंगे। ध्यान रखना इस तरीके से। और इनको अगर पद से कैसे हटाना है वो सारी प्रक्रिया आपके सिलेबस में है आरपीएससी, तो वहां पर देखेंगे। इसके बाद हम जो चर्चा करते हैं वो चर्चा ये है कि जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं, क्या होते हैं? राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका राज्यपाल कुलाधिपति होता है। ध्यान रखना क्या होता है? कुलाधिपति। और जो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। ध्यान रखना, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, राज्यों के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। परंतु राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी जो कुलपति है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो वो कौन करेगा? राज्यपाल। तो हम यहां लिख लेते हैं कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, ये कई एग्जाम आरएएस में भी आया है और रीट सेकंड ग्रेड सब में आया है, कुलाधिपति राज्यपाल होता है। तो कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनका क्या होता है? कुलाधिपति होता है। और जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्य के अंदर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राज्य के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति
राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर? तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। इसके बाद देखें, देखो जो राज्य चुनाव आयोग होता है, क्या होता है? राज्य चुनाव आयोग, उन राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। देखो हमारे यहाँ 1992 से पहले राज्य चुनाव आयोग नहीं थे, 1992 से पहले राज्य चुनाव आयोग नहीं थे। तो जो राज्य चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, तो देखो इसका ध्यान रखना है कि एक हमारे यहां जैसे ग्राम पंचायत वगैरह हैं, तो जिन्हें हम ग्रामीण संस्थाएं कहते हैं, ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं, तो जैसे एक है ग्रामीण स्थानीय स्थानीय संस्थाएं, जैसे ग्राम पंचायत पंचायत समिति, और दूसरी तरफ हैं जो शहरी संस्था है, जिन्हें नगर पालिका और नगर परिषद वगैरह। तो देखो जो ग्रामीण संस्था है इनका जो उल्लेख है, चुनाव आयोग तो एक ही होता है, परंतु यहां पर इनके लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 243 के, कौन सा? 243 के। और जो नगर पालिकाएं हैं उनके लिए कहा गया कि चुनाव कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, उसके लिए अनुच्छेद है ZA, कौन सा? ZA, होता एक ही है। तो ध्यान रखना राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख दो अनुच्छेदों में है, एक तो 243 के और एक 243 ZA, इन दोनों में राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। कितने अनुच्छेदों में? दो अनुच्छेद, एक तो है हमारा 243 के और एक 243 ZA। तो 243 के में तो जो ग्रामीण संस्था है उनके लिए, और नगर पालिका नगर परिषद नगर निगम यानी जो शहरी है, क्या है? शहरी, इनके लिए जो उल्लेख है वो कौन सा है? 243 ZA, होता एक ही है, तो इनका अलग अलग उल्लेख है। तो ध्यान रखना कहीं आपने 243 के ही पढ़ा है, परंतु ऑप्शन में वो ये भी रख दे कि 243 के व 243 ZA, तो आंसर सही कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो अनुच्छेद हम कह सकते हैं, अनुच्छेद अनुच्छेद 243 के व 243 ZA के अनुसार राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष और देखो सदस्य इसमें है नहीं अभी, अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा साहब? राज्यपाल करेगा, राज्यपाल। देखो अभी दूसरी बात इसमें कि चुनाव आयोग को संवैधानिक कार्यों के अलावा राज्यपाल अन्य कार्य नहीं सौंप सकता, जो संविधान में उल्लेख है उन कार्यों के अलावा राज्यपाल, ये पूछा गया सवाल है। तो संविधान में जो कार्य है इनके अलावा राज्यपाल
निर्वाचन आयोग को अन्य कार्य नहीं सौंप सकता। तो ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेद में, 243 के 243 जेड ए में, इसमें राज्य जो चुनाव आयोग है उसका उल्लेख किया गया है। और ये चुनाव किसके कराता है, केवल दो की कराता है, एक ग्रामीण संस्था और दूसरी शहरी संस्था, ग्रामीण स्थानीय सुशासन, स्थानीय स्वशासन, सरकार कह दो या सुशासन कह दो, इसमें कौन कौन सी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और जिला परिषद, जिला परिषद। और शहरी में हम बात करें, नगरी कह दो शहरी, इसमें नंबर एक नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगर निगम, और भी जो जिला बोर्ड होते हैं, क्या होते हैं, जिला बोर्ड, उनके भी चुनाव कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है। ध्यान रखना, राज्य की जो विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग नहीं कराता, केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। तो विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव कौन करता है, केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। ये हुआ हमारा चुनाव आयोग की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अपने यहाँ देखो जो वित्त आयोग है, क्या है, वित्त आयोग, तो वित्त आयोग क्या भी उल्लेख है संविधान में, तो राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इसका उल्लेख की बात करें अनुच्छेद, तो देखो दो अनुच्छेद में होगा, एक तो 243 आई से वित्त याद रख लेना, दूसरा है 243 बाई दोनों में किसका उल्लेख है, वित्त आयोग, वही ग्रामीण के लिए वित्त आयोग ये है और शहरी के लिए है एक ही, परंतु उल्लेख है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, जिनकी नियुक्ति करेंगे वो कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, ध्यान रखना। तो जो भी वित्त आयोग होगा और उनके 5 वर्ष बाद, ध्यान रखना 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, जो राज्यपाल है वो 5 वर्ष बाद या हर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का क्या करते हैं, गठन करते हैं, वित्त आयोग का क्या करते हैं, आयोग का गठन करते हैं। और इसका जो कार्य है कि जो पंचायती राज और नगर पालिका है उनको कितना कितना धन दिया जाए, कितना कितना वेतन दिया जाए और इनके कैसे कैसे सुधार किया जा सकता है, इस बारे में सिफारिश करता है कौन, राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग, अब तक हम बात करें कि राजस्थान में कितने वित्त आयोग गठित हो गए, तो देखो हमारे केंद्र में लगभग अभी 15 वित्त आयोग गठित हो गए, कितने, 15। और राज्य की करें तो राज्य में केवल 5 वित्त आयोग गठित हुए हैं, राज्य में, राजस्थान में, राजस्थान में 5 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, गठन किया जा चुका है। देखो इंटरव्यू वगैरह में एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि जैसे मान के चलो केंद्र में तो कितने वित्त आयोग गठित हो गए, 15, राज्य में केवल कितने हुए हैं, 5, ऐसा क्या कारण है कि राज्य में अपने में केवल 5 वित्त आयोगों का गठन किया गया है। तो लड़के इसका जवाब देते हैं, सर हमारी राजस्थान सरकार वो लापरवाह है, समय समय पर वित्त आयोगों का गठन नहीं करती है, इसलिए केवल 5 वित्त आयोगों का गठन किया गया है और हमारे यहाँ धन की थोड़ी सी कमी है, ये जवाब देते हैं, परंतु ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ समय पर वित्त आयोग का गठन किया गया है, परंतु जो केंद्र में वित्त आयोग गठित कब हो रहे हैं, 1952 से,
तो राजस्थान में वित्तायोग के गठन की आवश्यकता कब पड़ी? अरे जब पंचायती राज और नगर पालिकाओं की स्थापना की, तो इनकी स्थापना ही कब हुई है? 1952 में, और पहली बार 95 में गठित किया गया, पुराना 95। तो अब तक कितने होंगे? हर 5 वर्ष बाद गठित हो रहे हैं, तो लगभग 5 ही होंगे। अरे होंगे कि नहीं, तो ऐसा जवाब नहीं देना, क्योंकि हमारे यहाँ कंटिन्यू गठित हो रहे हैं, परंतु इनका पहली बार गठन ही कब हुआ? 1994-95 से, क्योंकि इसका कार्य क्या है? पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए वित्त की सिफारिश करना। इससे पहले तो हमारे यहाँ पंचायती राज थी नहीं, तो इसलिए 5 वित्त आयोग गठित किए गए। जो 5वें वित्त आयोग की अध्यक्षता है वो है डॉक्टर ज्योतिकरण शुक्ला। कौन है? 5वें वित्त आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है साहब? ज्योतिकरण शुक्ला। तो 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला है। तो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ज्योति किरण शुक्ला। ये हमारा हुआ वित्त आयोग। क्या हुआ साहब? वित्त आयोग की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अब देखो, ये तो कुछ संवैधानिक संस्था हो गई जिनके हमने अनुच्छेद देखे। क्या देखे? अनुच्छेद। अब कुछ गैर संवैधानिक संस्था है जिनके अनुच्छेद तो नहीं है, परंतु उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो गैर संवैधानिक संस्था कौन कौन सी है? तो देखो, एक तो हो गई साहब हमारा कौन, जैसे महिला आयोग। कौन हो गई? महिला आयोग। महिला आयोग। नंबर 2 मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स अधिकार आयोग। बाल आयोग, बाल आयोग। इसके अलावा जैसे लोकायुक्त, लोकायुक्त। और भी बहुत सारे आयोग हो सकते हैं, अन्य आयोग, अन्य आयोग। तो देखो, जो महिलाओं से संबंधित आयोग है, या जो मानव अधिकारों से संबंधित राज्य आयोग है, जो बाल आयोग है, लोकायुक्त। तो देखो, लोकपाल तो कहाँ होता है? केंद्र में। और प्रत्येक राज्य में क्या होता है? लोकायुक्त। तो इनके और जो बहुत सारे अन्य भी आयोग हो सकते हैं, इनकी सबके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो बहुत सारे आयोग हैं जितने भी, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल ही करेंगे। अब देखो, हमारी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं समाप्त। इसके बाद हम जो देखेंगे विधायी शक्तियां। क्या देखेंगे? नंबर 2 विधायी शक्तियां या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। तो नंबर 2 पे थी हमारी विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। तो जो विधायी शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखो, पहली बात, विधायी शक्तियां मतलब विधायिका से या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां क्या कहलाती हैं? विधायी शक्तियां कहलाती हैं। तो नंबर 1 हम बात करें, नंबर 1 अनुच्छेद 168, ये कहता है कि जो राज्यपाल होता है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, यानी उसका क्या होता है? पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का
का अंग या अभिन्न अंग, अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? अभिन्न अंग या अंग होता है। इसकी चर्चा हमने जब पहली क्लास की थी इसलिए हमने वहां बताया था कि अभिन्न अंग क्यों होता है। ध्यान रखना, सदस्य नहीं होता। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सदस्य तो नहीं होता, सदस्य नहीं होता है, ना तो वो विधानसभा का सदस्य होगा और ना ही विधान परिषद का सदस्य होगा। परंतु विधानमंडल का क्या कहते हैं उसे, कहते नहीं होता है, अंग होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैंने उस समय रीजन बताए थे। एक तो वो जब तक विधानमंडल कोई कानून बनाता है और राज्यपाल उस पर साइन नहीं करता, जब तक, एक कारण बताया था, अगर विधानमंडल से पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राज्यपाल उस पर क्या नहीं करता, साइन नहीं करता, तो ये कारण हो गया। दूसरा जो कारण है कि राज्यपाल क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश। और अध्यादेश का वही अर्थ होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का। तो विधानमंडल जैसा कार्य करता है इसलिए राज्यपाल को विधानमंडल का क्या माना गया है, अभिन्न अंग माना गया है। परंतु वो सदस्य नहीं होता। क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता। दूसरी हम बात करें विधायी शक्तियों में, तो देखो जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल विधानमंडल में जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होके आते हैं तो एक प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रोटोम स्पीकर की। प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति करता है। तो देखो प्रोटोम स्पीकर क्या, इसे हम कह सकते हैं अस्थाई अध्यक्ष। कैसा? अस्थाई, टेम्परेरी, अस्थाई अध्यक्ष। तो ये नियुक्ति कैसे करता है, इसके पास शक्ति कहां से आई? तो ये क्या संविधान पद है? तो देखो देखा जाए तो स्पष्ट है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, परंतु ये कहां से इसका, जैसे देखो अनुच्छेद 99 में है, 99 में जो कहा गया है कि जो संसद के सदस्य होंगे, इसके संसद के, इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? शपथ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उसमें लिख रहा है राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत, राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति इन्हें क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। तो इसमें क्या उल्लेख है 99 में कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति इन्हें क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। इन्हें केंद्र में विधान लोक संसद के सदस्यों की बात हो रही है। तो 99 में किसका उल्लेख है? केंद्र में राष्ट्रपति। तो देखो वहां लिख रहा है अधिकृत, क्या लिख रहा है? अधिकृत। तो 99 तो किसके लिए? देखो आपको एक तरीका बता देता हूं, 99 है केंद्र के लिए। यदि हम केंद्र के अनुच्छेदों में कितना जोड़ दें, 89, क्या जोड़ दें? 89, तो वो किसका आ जाएगा? राज्य का आ जाएगा। इसको आप अपना सकते हो, ज्यादातर अनुच्छेद से क्लियर होते हैं। तो 99 में केंद्र के जो संसद के सदस्यों की शपथ का उल्लेख है। अब 99 में कितना जोड़ेंगे? 89, तो कितना हो गया? 8 और 17 एक 18, 188 हो गया। कितना हो गया? 188। तो राज्य के लिए जो अनुच्छेद है कौन सा, 188, वो ये कहता है कि जो विधानमंडल के सदस्य होंगे उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति। तो देखो ध्यान देने की बात यह है कि अनुच्छेद 188 कहता है कि जो विधानमंडल के सदस्य हैं कौन है? विधानमंडल के सदस्य, इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो इनको जो शपथ दिलाएगा विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को, जिन्हें शपथ दिलाएगा राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति। राज्यपाल दिलाएगा या राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति इन्हें क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। तो देखो
अब सामान्यतः क्या होता है कि इनको शपथ राज्यपाल नहीं दिलाता, क्योंकि संविधान में जो उल्लेख है वो क्या उल्लेख है कि इनको शपथ राज्यपाल दिलाएगा या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को उस शपथ दिलाने के लिए अधिकृत कर सकता है कि भाई आप इनको शपथ दिलाओ। राज्यपाल नहीं पहुंच रहा है शपथ दिलाने के लिए या नहीं जा पा रहा है तो संविधान में अनुच्छेद 188 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति। तो ये संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए राज्यपाल एक व्यक्ति को अधिकृत करता है और उस व्यक्ति का जो परंपरागत नाम पड़ गया है वो पड़ गया है प्रोटॉम स्पीकर। क्या पड़ गया है? प्रोटॉम स्पीकर। क्या पड़ गया है? प्रोटॉम स्पीकर इसका नाम पड़ गया है। यानी तो देखा जाए तो वैसे तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु राष्ट्रपति को ये अनुच्छेद 188 सॉरी राज्यपाल को 188 शक्ति देता है कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो उस व्यक्ति का जो नाम पड़ गया वो पड़ गया प्रोटॉम स्पीकर। तो राज्यपाल प्रोटॉम स्पीकर को क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है और उसे शपथ दिला देता है। क्या कर देता है? ये राज्यपाल इसे शपथ दिला देता है और राज्यपाल कह देता है कि आप इन्हें सदस्य दिलाइए। बाकी के जो सदस्य होंगे विधानसभा सदस्य जो चुन के आए हैं उनको शपथ तो दिलाएगा कौन? प्रोटॉम स्पीकर। परंतु वो प्रोटॉम स्पीकर की शपथ नहीं मानी जाएगी या शपथ नहीं होती, वो तो राज्यपाल के नाम से शपथ लेते हैं। परंतु राज्यपाल किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है, ये संविधान के अनुच्छेद 188 में लिखा है। जिसे अधिकृत करता है वो व्यक्ति कौन कहलाता है? प्रोटॉम स्पीकर कहलाता है। तो ध्यान रखना ये संविधानिक पद नहीं है, संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु राज्यपाल को यह शक्ति है कि किसी व्यक्ति को वो इस शपथ दिलाने के लिए अधिकृत कर सकता है और वही नाम क्या पड़ गया उसका? प्रोटॉम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष। तो राज्यपाल इसे क्या करेगा? नियुक्त करेगा। क्या करेगा? राज्यपाल इसे नियुक्त कर देगा। किसे? प्रोटॉम स्पीकर को नियुक्त कर दिया और इसे सदस्य की क्या दिला देगा? शपथ, क्योंकि ये भी तो क्या है? विधानसभा का सदस्य। शपथ दिला दी सब और राज्यपाल इसे क्या कर देगा? अधिकृत कर देगा। क्या कर देगा? अधिकृत कर देगा कि आप अन्य सदस्यों को शपथ दिलाओ। और ये शपथ किसके नाम से मानी जाएगी? राज्यपाल के नाम से मानी जाएगी, क्योंकि राज्यपाल ही इसको अधिकृत कर रहा है। तो ध्यान रखना राज्यपाल इसे क्या कर देगा? अधिकृत कर देगा। और ये एक अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। इसका कार्य ये होता है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, किसके सदस्य हैं? विधानसभा के, उन विधानसभा के सदस्यों को क्या दिलाए? विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाए। क्या करें? शपथ दिलाए। और ये तब तक अपने पद पर रहता है जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। जिस दिन स्थायी अध्यक्ष का क्या हो जाता है? चुनाव हो जाता है, उसी दिन इसका पद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद ये कोई कार्य नहीं करता, एक सामान्य सदस्य की तरह रहता है। तो ये अस्थायी होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। इसका कार्य क्या है? कार्य ये है कि ये जो विधानसभा के सदस्य हैं उन्हें शपथ दिलाए और जब स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाए उसके बाद ये पद क्या हो जाता है? स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो प्रोटॉम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये कैसा होता है? अस्थायी होता है। इसका कार्य क्या होता है? कार्य ये होता है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको क्या दिलाएगा? ये शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा साहब? शपथ दिलाएगा। एक तो अनुच्छेद ये हुआ। दूसरा अगर हम विधायी शक्तियों में देखें तो विधायी शक्तियों में जो दूसरा अनुच्छेद है वो ये है साहब कि राज्यपाल होता है वो राज्यपाल अनुच्छेद 177 के तहत 171 के तहत। देखो इसमें क्या लिख रहा है, इसकी जो भाषा है वो ये है, इसमें बहुत सारे प्रावधान है परंतु जो राज्यपाल से संबंधित प्रावधान है वो मैं ये बता रहा हूं। इसमें लिख रहा है कि राज्यपाल विधान परिषद में शेष सदस्यों को
शेष सदस्यों को, शेष सदस्यों को मनोनीत मनोनीत करेगा, जो कि साहित्य साहित्य विज्ञान साइंस साहित्य विज्ञान कला आर्ट नंबर चार सहकारी आंदोलन और नंबर पांच समाज सेवा से संबंधित होंगे, इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, इन क्षेत्रों में से शेष सदस्य। अब ये शेष का क्या मतलब है, देखो जब विधान परिषद की हम आगे चर्चा करेंगे उसकी संरचना पढ़ेंगे अनुच्छेद 171 के तहत, तो देखो शेष का मतलब है कि देखो कुछ सदस्य होते हैं वो विधान परिषद की संरचना ऐसे है कि कुछ एक तिहाई, नंबर एक, नंबर दो एक तिहाई, और नंबर तीन 1/12, और नंबर चार 1/12, ठीक है। अब जैसे ये संरचना है, अब यानी जो विधान परिषद की कुल संख्या होगी, उसका उसका 1/3 तो कौन चुनेंगे, तो जैसे मान के चलो 100 है, कितनी है 100, तो अब जैसे इसमें से 1/3 कौन चुनेंगे, 1/3 चुनेंगे जो विधानसभा के सदस्य होंगे, ठीक है, 1/3 चुनेंगे जो जो नगरीय परिषद होती है, जिला परिषद नगर निगम वगैरह, ये चुनेंगे, और इसके बाद 1/12 जो टीचर हैं जिन्हें 3 वर्ष का पढ़ाई हुआ अनुभव हो गया वो चुनेंगे, और 1/12 वो चुनेंगे जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय से क्या करिए स्नातक कर ली है, उन्होंने भी 3 साल हो गए। अब इसके अलावा जो शेष बचेंगे, उनको कौन चुनेगा, ध्यान रखना संविधान में जो लिख रहा है अनुच्छेद 171 में क्या लिख रहा है कि विधान परिषद के शेष सदस्यों को राज्यपाल क्या करेंगे, मनोनीत। तो वहां स्पष्टतः 1/6 नहीं लिख रहा, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, वहां 1/6 नहीं लिख रहा भाषा, परंतु 1/6 आता कैसे ये ध्यान रखना, तो हमें संविधान के अनुसार पढ़ना है। वहां अच्छा सवाल बना सकता है कि संविधान के अनुसार या 171 के अनुसार, दोनों ऑप्शन रख सकता है कि राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करेगा शेष सदस्यों को, ऑप्शन नंबर दो 1/6 सदस्यों को, तो आंसर वो शेष वाला माना जाएगा क्योंकि संविधान में शेष लिख रहा है। अब 1/6 कहां से आया, वो 1/6 में बताता हूं। देखो मान के चलो कोई सदस्य संख्या एक है, क्या है एक, अब एक में से 1/3 किसी ने मनोनीत कर दिए, और 1/3 किसी ने कर दिए, 1/12 किसी ने कर दिए, और 1/12 किसी ने कर दिए। अब इसको हम जोड़ें तो इसका देखो एलसीएम कितना आएगा, 12 और 4, 4, 1, 1, माइनस यहाँ 1, तो ये कितना हो गया 8, 8 और 2, 12, 4, 4, 1, 1, तो 1, और ये भी कितने हुए 8, और तो 10, 10/12, कितना हुआ 10/12, 12 और 12 में से 2 गए तो माने कितने बचे 2, तो ये आया 2/12। अब इसको भी करेंगे तो 1/6 ऐसे आया, तो वो शेष सदस्य बचे कितने 1/6, कितने बचे 1/6, तो संविधान में जो भाषा है वो शेष सदस्य लिख रहा है, क्या लिख रहा है शेष, 1/6 नहीं लिख रहा, परंतु अगर हम देखें तो निकल के कितना आता है 1/6, तो जो आंसर 1/6 नहीं माना जाएगा अगर दोनों में से एक चूज करे। अच्छा सवाल बनता है यहाँ से, बहुत अच्छा, कि उसमें शेष और या 1/6, तो संविधान में क्या लिख रहा है शेष सदस्यों को क्या करेगा मनोनीत करेगा, वो शेष सदस्य कितने होंगे, जो विधान परिषद की कुल संख्या है उसका 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करेगा मनोनीत करेगा, और वो राज्यपाल कहां से मनोनीत करेगा, जिन्हें साहित्य का अनुभव हो, लिटरेचर से संबंधित विशेषज्ञ हो, जिन्हें विज्ञान का अनुभव हो, और जो कला का अनुभव रखते हों, या सहकारी आंदोलन से जुड़े हों, या समाज सेवा। तो ध्यान रखना अभी फर्स्ट ग्रेड 2019 में
सॉरी 19 में, सॉरी 20 में ये यहां से सवाल पूछा गया, इनको क्रम से रखवाया था कि ये संविधान में क्रम क्या है, तो इनका यही क्रम है, पहले साहित्य है, फिर विज्ञान है, फिर कला है, फिर सहकारी आंदोलन है और समाज सेवा है। तो अभी जो क्रम आया था वो राष्ट्रपति के वाला आया था, तो राष्ट्रपति कितने क्षेत्रों से मनोनीत करता है, चार, कितने क्षेत्रों से, चार। राष्ट्रपति के लिए उसमें सहकारी आंदोलन वाले नहीं है, राष्ट्रपति के लिए कौन सा नहीं है, सहकारी आंदोलन। राष्ट्रपति के लिए केवल साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा है। और राज्यपाल के लिए जो पांचवा बढ़ जाता है वो क्या बढ़ जाता है, सहकारी आंदोलन, परंतु ये लास्ट में नहीं है, बीच में। इनका क्रम कैसे है, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। तो यहां से पूछ सकता है अगली बार, यहां से अच्छा सवाल बनता है। तो ध्यान रखना कि विधान परिषद में शेष सदस्यों को राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। शेष का मतलब क्या है, 1/6, शेष का मतलब है 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है, जिन्हें कला का, साहित्य का, विज्ञान का, सहकारी आंदोलन का, समाज सेवा का, इन पांच क्षेत्रों का अनुभव रखने वाले और उनको मनोनीत करता है। जैसे हम वहां तुलना करते हैं कि जो अनुच्छेद है 80 में जो राज्यसभा है, कौन है, राज्यसभा, तो राज्यसभा में तो जो संख्या है वो फिक्स है, कितने सदस्य, 12। यहां पर 12 संख्या फिक्स नहीं है, यहां पर है विधान परिषद की कुल संख्या का 1/6, विधान परिषद की कुल संख्या का 1/6। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या हो सकती है, अगर किसी राज्य की विधान परिषद की संख्या अलग होगी तो वहां के सदस्यों की भी संख्या अलग होगी। तो ध्यान रखना ये राज्यसभा में कितनी है, 12 फिक्स है, यहाँ पर फिक्स नहीं है, यहाँ तो क्या है कि जो विधान परिषद है उसकी कुल संख्या का 1/6। और राष्ट्रपति के लिए कितने क्षेत्र है, 4 क्षेत्रों से साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा, इन चार क्षेत्रों का जो अनुभव रखता होगा उसे राज्यपाल क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। क्लियर, ये हुआ अनुच्छेद 171। तो 171 के तहत क्या है, राज्यपाल विधान परिषद में उसके शेष सदस्यों को, या हम कोष्ठक में लिख सकते हैं, उसकी कुल संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा का अनुभव हो, विशेषज्ञ हो, यहाँ से मनोनीत करेगा। तो दूसरा हमारा कौन सा हुआ, 171। अब देखो इसके बाद हम देखें तो जैसे केंद्र में अनुच्छेद है 85, कौन सा है, 85, कि राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाएगा, सत्रावसान करेगा और लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तो इसमें हम कितना जोड़े, 89, कितना जोड़े, 89, तो कितना हुआ बताओ, 4 और 174। तो केंद्र का भी याद हो जाएगा और राज्य का भी, दोनों का। तो इसको यानी 100 अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल, कौन, राज्यपाल 174 कहता है। देखो केंद्र में ये बात कौन से अनुच्छेद में, 85 में, सेम टू सेम बात राज्य के लिए कौन से अनुच्छेद में, 174 में। क्लियर, कौन से में, 174 में, तो माइंड में रख लेना। तो इसमें क्या है, राज्यपाल, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र आहूत करता है, सत्र आहूत का मतलब है बुलाना, आहूत का क्या मतलब मेरे दोस्तों, बुलाना, यानी जो विधानमंडल है उनके सत्र क्या करता है, राज्यपाल बुलाता है। तो सत्र कौन बुलाएगा, राज्यपाल, और तथा उनका सत्रावसान करता है, उनका सत्रावसान करता है। सत्रावसान का मतलब है जो सत्र चल रहा है उसे क्या कर दे, समाप्त, क्या कर दे, समाप्त। देखो ना, सत्र को बुलाता है, किसको बुलाता है, सत्र को, और उस सत्र को समाप्त करता है। जैसे अभी जो बजट सत्र शुरू हुआ है, क्या हुआ है, कल से होगा, 1 फरवरी से जो बजट सत्र शुरू होगा उसको बुलाएगा कौन, उसको केंद्र में कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। अभी राज्य में थोड़ा टाइम बाद होगा, 10-12 फरवरी से,
तो अभी जो बजट सत्र होगा उसे बुलाएगा कौन? राज्य में राज्यपाल, जो महीने दो महीने मार्च तक चलेगा, अप्रैल तक, और फिर उसे समाप्त कौन करेगा? राज्यपाल। तो बुलाना और समाप्त करना, ये दोनों काम किसके हैं? सत्र को बुलाएगा और उसे समाप्त करेगा कौन? राज्यपाल। और ध्यान रखना, अगर सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना, जैसे 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन, 4 दिन के लिए, ये काम किसका है? संबंधित जो सदन है उसके अध्यक्ष का। जैसे विधानसभा है, तो विधानसभा में जो सत्र चल रहा है, जैसे बजट सत्र चल रहा है, तो हंगामा होता है, कोई भी कार्रवाई कंप्लीट हो गई, तो जैसे 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो सत्र को जो स्थगित करता है कुछ समय के लिए, वो शक्ति किसके पास है? संबंधित अध्यक्ष के पास, यानी अपने राजस्थान में देगी वो है सदन विधानसभा, तो विधानसभा अध्यक्ष के पास। सत्र को बुलाना और सत्र को समाप्त करना, ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति है मेरे दोस्तों पास किसके? राज्यपाल के पास। परंतु सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित करना, ये शक्ति किसके पास है? परंतु सत्र को, सत्र या अधिवेशन कह सकते हैं, देखो एक सत्र के अंतर्गत बहुत सारी क्या होती हैं? बैठकें होती हैं। क्या होती हैं? बैठक। तो सत्र अभी कौन सा है? बजट सत्र है, चलेगा, और इस बजट सत्र में बैठक कितनी होगी? बहुत सारी हो सकती है। तो सत्र या अधिवेशन, अधिवेशन को स्थगित गित विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्ष करते हैं। सत्र को स्थगित कौन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति, और कहीं राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का अध्यक्ष। तो स्थगित करने का कार्य है संबंधित सदन के अध्यक्ष का। सत्र को बुलाना और फाइनली समाप्त करना, ये काम किसका है? राज्यपाल का। इसी अनुच्छेद में एक बात और है कि राज्यपाल किसको भंग, अगर मैं बोलूं विधानमंडल को भंग कर सकता है क्या? नहीं। देखो विधानमंडल में एक विधान परिषद भी होता है, तो विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता। विधान परिषद तो कैसा सदन है? स्थायी सदन है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल, अनुच्छेद 174 में लिखा है कि विधान सभा को भंग कर सकता है कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो हम इसमें कहेंगे कि राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा को, विधानसभा को उसके उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, पूर्ण होने से पहले भंग कर सकता है, भंग कर सकता है। भंग का मतलब है कि अगर भंग कर दी तो फिर विधानसभा के द्वारा चुनाव होंगे। जैसे अभी हमारी लोकसभा चल रही है, तो अगर हमारी लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो फिर द्वारा से क्या कराने पड़ेंगे? इलेक्शन कराने पड़ेंगे, पूरी द्वारा से चुनाव होंगे, इसे कहते हैं भंग। तो भंग कौन करेगा? राज्यपाल। परंतु ध्यान रखना, राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के कहने पर करेगा। राज्यपाल ऐसा कैसे करेगा? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के कहने पर करेगा। तो हम कह सकते हैं राज्यपाल, राज्यपाल ऐसा ऐसा सीएम व मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के कहने पर करेगा। और ध्यान रखना, राज्यपाल मंत्री परिषद के कहने को या उसकी राय को, उसकी सलाह को जब भी मानेगा, जब तक उसे विधानसभा में क्या प्राप्त है? बहुमत प्राप्त है, तो उसकी सलाह को मानेगा।
परंतु मान के चलो जो मुख्यमंत्री है, जो मंत्री परिषद है, जब उसको विधानसभा में बहुमत ही नहीं रहा और फिर कह रहा है मुख्यमंत्री का विधानसभा को क्या कर दो, भंग कर दो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उसकी सलाह के अनुसार कार्य नहीं करेगा। राज्यपाल ये देखेगा कि आपको विधानसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं, अगर बहुमत प्राप्त है तो उसकी बात को मानेगा, अगर बहुमत प्राप्त नहीं है और फिर वो कह रहा है कि वो अगर चाहेगा कि भाई हमारा तो हम तो सरकार बनाना नहीं चाह रहे, बन नहीं पा रही हम पे, क्योंकि हमें बहुमत नहीं है, हम विधानसभा को क्या करवा दें, भंग करवा दें और तो दोबारा से चुनाव करवा लेते, नहीं, ऐसी स्थिति में राज्यपाल नहीं मानेगा। ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस सरकार को तो भंग कर देगा और किसी दूसरे दल को या किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लेगा। तो वो मानेगा कब, जब उसे विधानसभा में क्या प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त हो, ऐसी स्थिति में उसकी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य। देखो मैंने अभी आपको जो 100 बताया था अनुच्छेद 171 कि भाई प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति करता है, तो देखो ये प्रोटोम स्पीकर क्या वरिष्ठ सदस्य ही होगा, ध्यान देने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्नाटक में ये विवाद रहा है अभी जो मैंने बताया, प्रोटोम स्पीकर, कौन सा बताया, प्रोटोम स्पीकर। तो देखो ये परंपरा क्या रही है, परंपरा तो ये रही है कि जो प्रोटोम स्पीकर होगा वो कैसा होगा, वरिष्ठ सदस्य होगा, कैसा होगा, वरिष्ठ सदस्य। ये परंपरा है, क्या है, परंपरा है कि ये वरिष्ठ सदस्य होना चाहिए। वरिष्ठ का मतलब जैसे विधानसभा में तो उसे सर्वाधिक चुनाव जीत के आया हो, वरिष्ठ का उम्र से मतलब नहीं है, जो जिसने सबसे ज्यादा चुनाव जीते हो वो वरिष्ठ माना जाता है यहाँ पर। तो देखो अभी कर्नाटक में क्या विवाद हुआ कि कर्नाटक में जो बीजेपी की सरकार थी उसने जो वरिष्ठ सदस्य था उसे प्रोटोम स्पीकर नहीं बनाया, जो वरिष्ठ था उसे क्या नहीं बनाया, प्रोटोम स्पीकर नहीं बनाया। तो इस बात को कांग्रेस कहां ले गई, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये एक परंपरा है संविधान में, पहली बात तो इसका प्रावधान ही नहीं है, तो ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं है कि भाई ये वरिष्ठ ही होगा, तो ये तो इच्छा है कि उसे वरिष्ठ को बनाए या दूसरे को बनाए, तो ये क्या ये परंपरा है, जरूरी नहीं है, वहां क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटोम स्पीकर के बारे में क्या सही है, और उसमें पहला ऑप्शन हो कि भाई पहला दूसरा जो भी, कि उसमें ये हो कि प्रोटोम स्पीकर वरिष्ठ सदस्य को ही बनाया जाता है, तो ये सेंटेंस पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि जो वरिष्ठ सदस्य है उसे ही क्या बनाया जाए, प्रोटोम स्पीकर बनाया जाए। तो ये शक्तियां हमारी चल रही है विधायी। तो अभी हमने कौन सा पढ़ा, जो अनुच्छेद पढ़ा हमने 174, जिसमें हमने देखा कि राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल उसके सत्र बुलाता है, उनका सत्रावसान करता है और विधानसभा को उससे पहले भी भंग कर सकता है, ये हमने देखा। अब देखते हैं 174, कौन सा 174। तो देखो जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद है 86, ये केंद्र के लिए है और इसमें कितना जोड़ देंगे 89, तो कितना आ गया 174, यानी जो बात केंद्र के लिए 86 में वो बात सेम टू सेम राज्य के लिए किसमें 174 में, किसमें 174 में। तो देखो 86 क्या कहता है, 86 कहता है कि राष्ट्रपति, कौन राष्ट्रपति, 86 कहता है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो संसद है उसमें क्या देगा, अभिभाषण देगा, क्या देगा, अभिभाषण देगा, और जो संसद सदस्यों के लिए कोई निर्देश दे सकता है। तो ये तो बात किसकी हुई, राष्ट्रपति की, सेम टू सेम बात कौन से में 175 में है कि राज्यपाल, कौन राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल विधानमंडल, विधानमंडल के एक सदन अथवा अथवा दोनों सदनों
दोनों सदनों में अभिभाषण देगा। अभिभाषण देगा। तो राज्यपाल, विधानमंडल, विधानमंडल में दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उसके एक सदन में दे सकता है अथवा दोनों को एक साथ बिठा करके क्या देगा, अभिभाषण। देखो ये अभिभाषण क्या है, पहले तो ये सुनो। देखो एक होता है भाषण, क्या होता है भाषण, और दूसरा होता है अभिभाषण। अभिभाषण देखो, भाषण तो जो देता है वो देता है साहब मोदी, कौन देता है मोदी, और अभिभाषण देता है राहुल गांधी, कौन देता है राहुल गांधी। अब इनमें अंतर कैसे है, देखो भाषण होता है वो अपने विचारों पर आधारित होता है, जो मैं अभी दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं, भाषण दे रहा हूं। तो जो भाषण क्या होता है, अपने विचारों पर आधार होता है, जो हम बोलना चाहते हैं। अभिभाषण का मतलब किसी ने लिख के दे दिया, वो हम बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अभिभाषण हो गया। भाषण स्वयं के विचार, अभिभाषण दूसरे के विचार। तो यानी जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है उसे कौन तैयार करता है, तो इसे तैयार कौन करता है, तो इसे तैयार करता है राज्य का मंत्रिमंडल। कौन तैयार करता है, राज्य का मंत्रिमंडल तैयार करता है, और राज्यपाल से कहता है कि आप जाके क्या दो, अभिभाषण दो और बताओ कि सरकार क्या कैसे क्या चाहती है, जो भी उसमें होगा वो अभिभाषण होता है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन आया है कि राज्यपाल के अभिभाषण को कौन तैयार करता है, तो कौन तैयार करता है, राज्य का मंत्रिमंडल होता है वो तैयार करता है। और दूसरी बात, ये उसे निर्देश भी दे सकता है वहां पर, और कोई विधेयक है वहां निर्देश दे सकता है। ये तो देखो सामान्य अभिभाषण हुआ, 175 में कैसा हुआ, सामान्य अभिभाषण हुआ। इसे देने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है, क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। अभी एक दूसरा अनुच्छेद है 176, यहां पर क्या है कि राज्यपाल बाध्य है, यहां पर तो उसे क्या देना पड़ेगा, अभिभाषण देना ही पड़ेगा, और वो दो अवसरों पर देगा। कितने अवसरों पर देगा, दो। नंबर एक, देखो जब आम चुनाव के बाद नए विधानसभा के बाद, यानी नवगठित विधानसभा की पहली बैठक हो रही हो, अभी जैसे कोई चुनाव हुए विधानसभा के, और जब उसमें पहली बैठक होगी उस समय भाषण देगा, तो क्या कहेंगे, नवगठित विधानसभा की पहली बैठक। दूसरा, जो वर्ष का प्रथम सत्र होगा, अब देखो अब यह भी सवाल कॉमन सेंस वाला है कि वर्ष का प्रथम सत्र कौन सा होता है, अरे बजट सत्र होता है। बजट सत्र फरवरी में आता है, तो जो वर्ष की स्टार्टिंग ही जनवरी फरवरी में हो रही है। तो दूसरा कब अभिभाषण देगा, वर्ष के प्रथम सत्र में, नव वर्ष के प्रथम सत्र में। तो अभी जैसे आपने सुना होगा कि आज के ही पेपर में आया है कि राष्ट्रपति महोदय ने जो बजट सत्र शुरू हुआ है उसमें अभिभाषण दिया है। तो क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल अभिभाषण, अभी राजस्थान में सुनने में आएगा दो चार दिन में, तो जब राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल अभिभाषण देके जाते हैं, तो वहां पर राष्ट्रपति के लिए संसद में और राज्यपाल के लिए विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्या किया जाता है, धन्यवाद कि आपने हमें संबोधित किया, हम आपको धन्यवाद थैंक यू लिख के भेजते हैं प्रस्ताव पर सभी सदस्य। तो विपक्ष है, उस विपक्ष ने, आज की हेडलाइन है राजस्थान पत्रकार की, बाकी भास्कर का मुझे पता नहीं, तो उसमें विपक्ष ने धन्यवाद प्रस्ताव का क्या किया है, विरोध किया, क्योंकि राष्ट्रपति ने क्या, नव वर्ष का, अभी नव वर्ष का पहला सत्र बजट सत्र ही होता है, तो जो प्रारंभ होता है इसको उसने संबोधित किया, अभिभाषण दिया, तो इसका विरोध किया है। तो राज्यपाल यानी जो नव वर्ष की प्रथम सत्र होता है, तो प्रथम सत्र कौन सा होगा, सामान्यतः बजट सत्र ही होगा। दूसरा, जो नवगठित विधानसभा की पहली बैठक होगी इसमें तो उसे अभिभाषण देना ही देना होगा, इन दो अवसरों पर। ध्यान देना, 75 में तो सामान्य क्या है, अभिभाषण है, 76 में भी क्या है, अभिभाषण ही है, अभिभाषण,
परंतु ये देना तो बाध्य है, बाध्यकारी है, जरूर देगा, और यहाँ पर जरूर नहीं है, वो सामान्यतः देता या नहीं देता, कभी भी दे सकता है इसको, तो 175 के तहत कभी भी दे सकता है, यहाँ पर वो बाध्य है। इन दो अवसरों पर देगा, एक तो नवगठित विधानसभा में और 90 वर्ष के पहले सत्र में। अब ऐसा क्यों होता है, अब देखो उसको सुनो। जैसे नवगठित विधानसभा आई है, गठित हुई है, तो भैया जो पहली बार विधानसभा के चुनाव हुआ के हैं, जिस दल की सरकार बनी है वो सरकार राज्यपाल के माध्यम से बताना चाहेगी विधानसभा के सदस्यों को, जो उसके सदस्य हैं, और जनता को कि हमारी जो सरकार है उस सरकार के क्या क्या लक्ष्य रहेंगे, वो क्या क्या करना चाहेगी, किस क्षेत्र में क्या 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 नीतियां रहेंगी। जैसे मान के चलो जो नई नई दुल्हन आती है तो उसको सास नंद ये समझाती है ना कि आपको ये करना है, ऐसे हमारी परंपराएं ये, हम ये करना चाहते हैं, ठीक, हमारे दादाजी ये करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं, ऐसे ही राज्यपाल उन सदस्यों को बताते हैं कि ये सरकार है, इसके प्लान क्या है, नीतियां क्या है, इसमें ये होता है। और 90 वर्ष की जो पहली बैठक है, जैसे अभी 2021 में हो रही है, तो 2021 में जो बैठक 90 वर्ष की जो पहला सत्र है, इसमें राज्यपाल बताएंगे कि हमारी 2020 और 21 में क्या क्या प्राप्तियां रही हैं, और 21 और 22 में हमारे क्या क्या लक्ष्य रहेंगे, यानी पिछली वर्ष में जो बजट वित्त वर्ष है उसमें हमारे क्या क्या उपलब्धियां रही, हमने क्या क्या प्राप्त किया, और कहां कहां कमियां रही हैं, उसको आगामी वर्ष में हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ये होता है इन दोनों अभिभाषणों में। तो 75 में तो जरूरी नहीं है, सामान्य अभिभाषण है, और 175 में और 176 में क्या है मेरे दोस्तों, उसे देना ही देना होगा। ये हुआ आपका अभिभाषण, तो ध्यान रखना 175 में सामान्य है, वहां सामान्य भाषा नहीं लिखा हुआ है, परंतु मैं बता रहा हूं, और 176 में क्या है, विशेष है, इसे देना ही देना होगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, सभी को थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।